वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। यदि आपके पास कोई वाटर कूल्ड जनरेटर है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि कभी उसकी बेल्ट टूट जाना, कभी उसका रेडिएटर ख़राब हो जाना, कभी उसकी वाटर बॉडी का बैरिंग ख़राब हो जाना या खुद ख़राब हो जाना या उसके पाइप फट जाना। अब मैं आपको ऐसा एक उपाय बताने वाला हूँ जिससे आप इन चीज़ों को लगाए बिना भी अपना जनरेटर 24 घंटे चला सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक वाटर टैंक की आवश्यकता पड़ेगी और उसके बाद हम कूलर की जो पंपिंग मोटर होती है, जो पानी उठाने वाली मोटर है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम कूलर की मोटर पर एक नली लगाकर उस नली को इंजन की जो आगे वाली टोंटी होती है उसमें लगा देंगे और एक नली इंजन के पीछे जो टोंटी होती है उसमें लगा देंगे और उस नली को हम वापस टैंक में डाल देंगे और हम कूलर की मोटर को भी पानी के ड्रम में डाल देंगे और कूलर की मोटर के कनेक्शन हम अपने अल्टरनेटर से कर देंगे। इस तरह जब भी हम जनरेटर चलाएंगे तो उसके करंट के द्वारा ये पंपिंग मोटर चलेगी और पंपिंग मोटर इंजन में पानी की सप्लाई देगी और वापसी का जो पानी होगा वो दोबारा से ड्रम में आ जाएगा। तो इस तरह आप बिना रेडिएटर, बिना वाटर बॉडी और बिना पाइप की सहायता से आप अपने जनरेटर को 24 घंटे बहुत ही आसानी से चला सकते हैं और ये बिल्कुल भी गर्म होने की इसमें समस्या नहीं होती है। रेडिएटर, वाटर बॉडी, बेल्ट और पाइप ये लगभग 2-4 महीने में टूटते ही रहते हैं, तो इसमें खर्चा बहुत हो जाता है। लेकिन यदि हम बताए हुए उपाय के अनुसार एक टैंक, एक कूलर की जो पंपिंग मोटर होती है उसको लगाएंगे तो ये लगभग कई साल बिना खर्चे के चलता रहेगा। यदि इससे संबंधित आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।